चेतन महाप्रभु ट्रेवल्स, 9 या 14 कोई एक होगा। ट्रेवल्स। इंडिया के तो ओम नमो भगवते वासुदे नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु वासु <coughs> तो आज सोमवार है और हर हाँ सोमवार को हम चैतन चैतामृत पढ़ते हैं और ये तीन दिन क्योंकि कल सीता नवमी है नहीं इसके पहले वाला, वाला चैप्टर नाइन तो कल सीता नवमी है सीता का प्राकट्य दिवस तो ये तीन दिन सीता नवमी पे कथा चल रही है तो चैतन चर्ता अमृत से ही हमने सोचा कुछ श्लोक लेके और माता सीता के बारे में हम कुछ कथा पे चर्चा करेंगे दे दो मेरा मोबाइल दे दो मैं उसमें से श्लोक करता ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला अध्याय नौ भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण जाते हैं 211 नंबर श्लोक अध्याय नौ श्लोक नंबर 211 तो दो श्लोक हैं 211 और 12 ये कुर्म पुराण का श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु लेके आए थोड़ा पढ़ते हैं फिर इस पे चर्चा कर देंगे सीता छाया सीताम अजी जनादार दास ग्रीव सीता वहनी पुरम गता समये वह्निम् छाया सीता विवेशसा वहनी सीतां समानीया तत्पुरस्ताद् अनिनयत् पड़ी मारो क्या हुआ माताजीस शब्दार्थ सीता अभी हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है हिंदी में पुस्तक नहीं है बाय मदर सीता आराधित बींग कॉल्ड फॉर वह नी द फायर गॉड छाया सीताम द इल्यूजरी फॉर्म ऑफ मदर सीता the illusory form of Mother

Departed, Departed. Pariksha Samaye at, at the time of testing Vahanim, Vahanim the, fire. the fire Chaya Sita The illusory form, form of Sita vivesha, vivesha Entered Sa She si. Vahani The fire god sitam Sita. the, the original mother Sita समानिया ब्रिंगिंग बैक तत्पुरस्ता इन हिज प्रेजेंस अनिया brought back. Brought back. अनुवाद जब सीता जी ने अग्निदेव का आह्वान किया तो वे सीता का माया रूप ले आए और दस सिरों वाले रावण ने इस माया सीता का अपहरण कर लिया तब मूल सीता अग्निदेव के घर चली गई जब भगवान रामचंद्र ने सीता के शरीर की परीक्षा ली तो वह माया सीता थी जो अग्नि में प्रवेश कर गई उसी समय अग्निदेव ने मूल सीता को अपने घर से लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दिया तात्पर्य ये दोनों श्लोक पुराण के हैं ओम अज्ञान अतिमिरंद ज्ञान जन शलाखया चक्ष ये न तस्में श्री गुरुवे नम श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्ट सात ये भूतले स्वयं कदा मयीं दधास्वदाक वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोम श्री श्री साग्र जा सह गण रघुनाथ मिता तम सजीव सावधूत परीजना सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधापदान सह गणा ललिता श्री विशाखात नमो हम विष्णुपादाय कृष्णप्रृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेद्त नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्य देशताम महवदनियाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यना गौरत नम हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतरा राधा नमस्त तब तक आनचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांच कल्पतरुभे क्षृपासिंधु बेवच पति तएतना पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासदि गौर भक्त हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 <laughs> कृष्ण <laughs> तो कल सीता नवमी है इसलिए माता सीता के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे ये श्लोक का थोड़ा बैकग्राउंड करते हैं चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा प्रीचिंग टूर पे निकले प्रचार कार्य पे निकले चैतन्य महाप्रभु और वे यात्रा करते हुए दक्षिण मथुरा सदन मथुरा जिसको आज मदुराई के नाम से जाना जाता है तो वहां पहुंचे और वहां एक क्योंकि महाप्रभु सिर्फ ब्राह्मणों के घर जाते थे वो भी भक्तों के घर में तो उनको पता पड़ा रामदास विप्र के बारे में भगवान श्री राम का बड़ा भक्त है तो गए और रामदास विप्र के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए दर्शन लीजिए नहा धो के आप अपना स्नान स्नान करके गायत्री करके दोपहर तक मैं प्रसाद रेडी रखता हूं तो महाप्रभु दर्शन लेके और स्नान वगैरह करके कृतमाला वहां पे नदी है वो अभी भी है कृतमाला और वे गई दो नदियों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे तो कृतमाला में स्नान किए और फिर आए जब आए तो दोपहर के बारह बजे थे तो महाप्रभु ने देखा प्रसाद रेडी नहीं है बोले रामदास प्रसाद क्यों नहीं बनाया भाई बोले प्रसाद कैसे बनाऊ हम तो जंगल में रह रहे हैं इधर तो न डी मार्ट है न रिलायंस मार्ट है किधर से शॉपिंग करूंगा मैं अभी बैठी आप लक्ष्मण गया है बाजार में उधर से कुछ लेके आएगा तब फिर माता सीता बनाएगी फिर आपको दिया जाएगा वो चेतना देखिए रामदास का उस चेतना में चले गए थे क्या स्तर होगा भक्ति का अगर हमको कोई बोले प्रसाद बनाओ तो हम सिर्फ एक ही कारण है प्रसाद नहीं बनाने का वो है हमारी आलस क्योंकि सामग्री सब है लेकिन रामदास विप्र क्यों नहीं बना रहे हैं लक्ष्मण गया है बाजार बाजार मतलब जंगल से कुछ भी फल फ्रूट लेके आएगा सब्जी वब्जी फिर उसको बनाएंगे तो महाप्रभु बड़े आनंद में गए बोले तो इसका स्तर कितना ऊंचा है भक्ति का तो ठीक है बैठ गए महाप्रभु और क्या करेंगे तो आ, अभी है ही नहीं तो क्या करेंगे और आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु अपने भक्त का आ, ये भाव का फिर लक्ष्मण आए माता सीता ने कुकिंग किया फिर ब्राह्मण ने कुकिंग किया बेसिकली और फिर महाप्रभु को प्रसाद दिया तीन बजे रोबा जी लिखते हैं तीसरा पहर वहां लिखा है रोपा जी बोलते तीन बज गए थे महाप्रभु को प्रसाद लेते लेते लेट हो गया तो महाप्रभु ने तो पाया लेकिन रामदास नहीं पा रहे हैं बड़े दुखी बैठे हैं तो महाप्रभु बोले तुम प्रसाद क्यों नहीं पा रहे हो और इतने दुखी क्यों हो क्या चीज है जो तुमको इतना सता रही है तो रामदास कहते हैं देखो मुझे बड़ा दुख है ये असुर रावण ये कैसे माता सीता को हाथ लगा सकता है माता सीता जो पवित्र है उनको हाथ कैसे लगा सकता है रावण ओ लेके चला गया तो महाप्रभु ने उस समय उनको समझाया स्वयं भगवान है अंतर्यामी है, उनको तो पता है तो उन्होंने पूरा बताया कि देखो माता सीता का अपहरण नहीं हुआ जब रावण आया था सीता के सामने तो तुरंत माता सीता ने अग्नि का आह्वान किया और खुद चली गई अग्निलोक पे और छाया सीता को भेज दिया तो रावण जिसे किडनैप करके ले गया अपहरण किया रावण ने जिसका वो छाया सीता है ओरिजिनल सीता नहीं है क्योंकि सीता पवित्र है उनको कोई छू नहीं सकता प्रभुपाद जी बड़ा सिद्धांत से बताते हैं कि आध्यात्मिक चीज को या आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई भौतिक चीज से छुआ नहीं जा सकता तो रामदास विप्र को थोड़ा ठीक लगा बोले ठीक है महाप्रभु आप जैसा कह रहे हैं थोड़ा बहुत प्रसाद खाए लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था फिर महाप्रभु वहां से जाते हैं रामेश्वरम और रामेश्वरम में ब्राह्मणों के साथ चर्चा होती है तो एक ब्राह्मण पढ़ रहा होता है कुर्मा पुराण उसमें यह वाला श्लोक पढ़ता है तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं बोले ये देखो यही उस ब्राह्मण को चाहिए अगर मैं उसको ये कर्म पुराण जाके दिखाऊंगा तो उसका विश्वास पक्का हो जाएगा तो इससे क्या सीखते हैं शास्त्रों पे विश्वास कैसा ब्राह्मण होगा जिसका शास्त्र पे विश्वास नहीं तो फिर ब्राह्मण कैसा तो कितना विश्वास होगा रामदास विप्र का जिन्होंने ये महाप्रभु उनके लिए ग्रंथ लेके आए और उन्होंने इतना विश्वास किया तो महाप्रभु ने क्या कहा वो ब्राह्मणों को जो रामेश्वर में थे बोले एक काम करो कि ये तो बहुत पुराना हो गया है और एक और कॉपी बनाओ इसकी तो कॉपी बनवाए अब वहां पे ऐसा कोई जेरोक्स मशीन था नहीं और पेपर तब मिलता नहीं था अभी पेपर बड़ा महंगा हो गया है आ, मैं आनंद प्रभु से बात कर रहा था बोले पेपर आ ही नहीं रहा और पल आता है यूक्रेन से तो आ ही नहीं रहा है तो पेपर महंगा होता जा रहा है तब पेपर पेपर ही नहीं था ना जेरोक्स मशीन थी तो महाप्रभु ने लिखवाया और महाप्रभु क्या बोलते हैं देखो वैसे भी ये पुराना हो गया है नया वाला आप लोग अपनी लाइब्रेरी में पुराना वाला मुझे दे दीजिए क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कि पुराना वाला रामदास विप्रो को दिखाऊंगा तो बोलेगा ओरिजिनल है नया बनवा के बोलेंगे आप लिख के लाए हो अपने हिसाब से कल आ चुका है ना तो महाप्रभु पुराना वाला ले लिए ओरिजिनल वाला मेनुस्क्रिप्ट और वहां पे नया लिखवा के रखवा दिए और फिर रामदास विप्रव के सामने आके यही वाला श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु तब लौटकर दक्षिण मथुरा आए और पुराण की मूल पांडुलिपि रामदास विप्र को दी और फिर यह श्लोक रामदास विप्रय ने पढ़ा और ये पढ़ के इतना आनंदित हुए इतना आनंदित हुए रामदास विप्रय की सीता का अपहरण हुआ ही नहीं तो फिर बोले महाप्रभु को कि आप स्वयं रामचंद्र हैं आप और कोई नहीं है आप रामचंद्र हैं सन्यासी के रूप में मुझ पे कृपा करने के लिए आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए तो उस दिन तो प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया क्योंकि दुखी मन था पता नहीं कैसा मैंने बनाया था लेकिन आज आप रुक जाइए हाँ आप आए हैं तो यहाँ रुक जाइए मैं कुछ अच्छे से आपकी सेवा कर लू और फिर बड़ा सुंदर व्यंजन स्वादिष्ट भोजन बना के और महाप्रभु को खिलाए डिनर से डिनर खिलाया तो ये सीता अपहरण की कथा है अब थोड़ा इसको डिटेल में में जाते हैं हैं रामायण और समझते हैं कि क्या हुआ था कितने कैरेक्टर हैं उस पूरे एपिसोड में और कौन कौन इन्वॉल्व था सीता अपहरण में मतलब कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व थे भगवान राम तो वो गए थे ना हिरण के पीछे लक्ष्मण रावण सीता और मारीच तो सबसे कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे तो मारीच से क्या सीखने को मिलता है द्रौपा जी बोलते हैं कि सबसे पहले अपना उद्धार का सोचो अपनी भक्ति अपनी प्रगति के बारे में सोचो क्योंकि भौतिक संसार फंसाने वाला है श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाए राधा बिहारी की जाए श्री श्री निताय की जाए शीलप्रुप की जाए तो मारिच के पास जब रावण पहली बार आया तो राम कहते ही राम सुनते रा सुनते मारिच पूरा थर 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 कापने लग जाता है तो उस समय तो रावण को समझा के भेजा लेकिन जब दूसरी बार रावण आया तो मारिच के समझाने पर भी रावण नहीं समझ रहा था तो फिर रावण ने कहा मारिच ने मना कर दिया रावण ने कहा देखो मारीच अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हो सकता है राम तुमको मार दे नहीं दोगे तो तुमको अभी मार दूंगा मरना तो तुम्हारा है टाइम तुम्हारा पूरा हो गया अब तुम डिसाइड कर लो तो मारिच ने सोचा ये असुर के हाथ मरने से अच्छा है राम के हाथ मृत्यु मिले ना? राम के हाथ मृत्यु किसको नहीं चाहिए? बोले ये असुर के हाथ से कौन मरना चाहेगा जब राजसू यज्ञ हो रहा था और शिशुपाल इतनी निंदा कर रहा था तो भीम को बड़ा क्रोध आया भीम ने अपनी गोदा गदा उठाया और मारने के लिए दौड़ा शिशुपाल को कृष्ण ने रोक दिया क्योंकि अगर भीम के हाथों तो मारा जाता तो वो गति नहीं मिलती कृष्ण के हाथों जो मारा गया तो मरीच ने सोचा कि राम के हाथ से मरना ज्यादा अच्छा इसलिए उसका बेनिफिट हालांकि रावण का सेवा करते हुए मरा लेकिन ठीक है अपना उद्धार कर लिया उसने फिर दूसरा हम देखते हैं भगवान श्री राम अपहरण के बाद क्या हुआ भागवत में श्लोक आता है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार को सिखाने के लिए आए हैं भगवान और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सिखा रहे हैं कि जो स्त्री में आसक्त पुरुष होता है उसकी क्या गति होती है तो भगवान राम ने वो जो है अभिनय करके दिखाया वो एक्ट करके दिखाया जो स्त्री में आसक्त हो जाता है पुरुष तो उसकी गति क्या होती और हमने बहुत सारे और भागवत में और जगह पे हम ऐसे सुनते हैं ऐसे चरित्रों का कि स्त्री में आसक्त थे फिर क्या हुआ वो भक्त कौन थे जो वैश्या के पास जाते थे चिंतामणि बिलवा मंगल ठाकुर तो पिता की मृत्यु हो गई है लेकिन वो जा रहे हैं इतना अंधेरा है बारिश हो रही है नदी उफन रही है सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं इतना आसक्त जो हो जाता है स्त्री में उसका क्या गति होती है ये भगवान राम सिखाते हैं सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये सिखाया राम ने हम डिटेल में नहीं जाएंगे वो तो आपको पता है दूसरा हम सीखते हैं लक्ष्मण से तो राम जब हिरन के पीछे जाते हैं माता सीता बोलती है हिरन चाहिए राम बोले ये हिरन असली नहीं है अरे मैंने बनाया ही नहीं है तो फिर कैसे बनेगा बनाने वाले तो राम है बोले मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है हाँ ये जैसे होता है ना क्या होता है पहले क्या होता था कि आ, लोकल इंडिया में प्रोडक्ट बनते थे स्टैंप लगता था मेड इन यूएसए आजकल तो पता नहीं होता है कि नहीं मेड इन यूएसए तो उसका रेट बढ़ जाता था तो भगवान बोले कि ये किसी की शरारत है और मेड बाय लॉर्ड बोल दिया लिख दिया स्टैंप लगा दिया लेकिन ये मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है तो माता सीता एक स्त्री की चंचलता को दिखा रही है कैसे एक स्त्री चंचल है इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी भी अगर पति जा रहा है यात्रा पे टूर पे यात्रा मतलब ऐसा नहीं कि वृंदावन अगर पति अकेला चला जाएगा माता जी को नहीं लेके तो फिर फिर माता जी बोले कि वहीं रहने का इधर आने का नहीं वो तो फिर उसका धर्म है ना पत्नी बच्चों को ले जाना लेकिन टूर पे जा रहा है अभी वो वनवास में जा रहे हैं तो प्रभुपद लिखते हैं स्त्री को साथ में नहीं लेके जाना चाहिए मना तो किया था राम ने वो प्रभु जी कल बताएंगे राम रूप्रभु डिटेल से उसका चर्चा करेंगे वो तो फिर भी आ गई अब उन चंचल स्वभाव नहीं मुझे चाहिए मतलब चाहिए उस बड़ा सुंदर है इसको हम पालेंगे ये हमको चाहिए अयोध्या लेके जाएंगे इतना बड़ा प्लान बना लिया तो इसको अयोध्या लेके जाएंगे ठीक है राम ने बोला ठीक है मैं जाता हूँ हिरण बहुत जल्दी, जल्दी 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 भागने लगा हाँ कभी इधर गायब हो जाता इधर क्योंकि वो तो राक्षस था माया भी था तो राम ने लक्ष्मण से कहा तुम यहां से हिलना नहीं इधर से जाना नहीं तुम ठीक है मुझे कुछ डाउट लग रहा है मैं जा रहा हूं क्योंकि ये तो मेरा धर्म है ना गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि पति बने हो तो पति का धर्म भी निभाओ इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं पत्नी जो मांगेगी वो देना पड़ेगा समझे नहीं तो फिर सोच लो तो सो फिर गए भगवान राम अब मरीच को तो मार दिया एक भक्त बता रहे थे पचास किलोमीटर दूर लेके गया मरीच राम को पचास किलोमीटर अब क्या भगवान वहीं खड़े खड़े बाण नहीं मार सकते थे मार सकते थे फिर लीला कैसे होगी फिर फिर डिस्कस करने के लिए क्या रहेगा तो भगवान तो चाहते हैं ना लीला हो अपहरण की लीला हो तभी तो रावण को मारने का बहाना मिलेगा जाके घर में घुस के मारेंगे अपहरण ही नहीं करेगा तो फिर क्या दुश्मनी निकालेगा भगवान ने ऐसे ही कुछ किया है तो लोग निंदा करते हैं बिना कारण रावण को मार देते तो और निंदा हो जाती तो करो भाई तुम किडनैपिंग करो फिर मैं आता हूं तुम्हारे तो यहां ये पूरा प्लान जो बनाया था तो भगवान ने बनाया था तो राम तो चले गए मरीच को मारा तो मरीच ने राम की आवाज निकाली माया भी था राम की आवाज निकाली कि हे hey सीता हे लक्ष्मण मुझे बचाओ राम की आवाज में चिल्लाया और इधर सीता ने सुना तो पूरा बौखला गई कि मेरे प्रभु को क्या हो गया है उस राक्षस ने वो लगता है और राक्षस ही था उसने हम मेरे प्रभु को जो है कुछ हानि पहुंचाई है लक्ष्मण तुम जाओ अभी आ, कुछ समय पहले लीला चल रही थी अभी कालिया वाला आया नहीं ना गोवर्धन चल रहा उसके बाद आएगा तो कालिया में अभी ऐसे ही होता है कि हो गया ना अभी हो गया तो कृष्ण जब कालिया के गिरफ्त में होते हैं दो घंटे के लिए तो सारे ब्रजवासी रो रहे होते हैं वो जाना चाहते हैं नंद बाबा जाना चाहते हैं लेकिन बलराम जी पकड़ ली और वो संभाल नहीं पाए मूर्चित हो गए यशोदा माता देख के मुरछित हो गई सारे ब्रजवासी मूर्चित हो जाते हैं लेकिन बलराम मुस्कुरा रहे हैं तो बलराम को पता है बलराम को पता है मेरा भाई का कैपेसिटी क्या है हा? कोई बाउंड्री नहीं है भगवान का कैपेसिटी का तो ये कालिया क्या कर लेगा हा? अब एक आचार्य ये भी बोलते हैं कि बलराम जी को बहुत एक दुख लग रहा था कि मैं अनंत शेष हूं मेरे साथ तो कभी ऐसा खेलते नहीं हो आप एक कालिया के साथ खेल रहे हो कभी हमारे साथ भी खेलो तो वो तो आके बस लेट जाते हैं मेरे ऊपर तो यहां पे भी लक्ष्मण को पता है तो क्या सीता को नहीं पता है पता है लेकिन तो सीता माता ऐसे वचन बोलती है लक्ष्मण को इतने कटु वचन बोलती है कि लक्ष्मण को जाना ही पड़ता है और फिर लक्ष्मण चले जाते हैं लक्ष्मण रेखा वगैरह तो कहीं दिया नहीं है वो तो कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों ने लक्ष्मण रेखा बना दिया तो वो चले गए अब जब पहुंचे तो राम ने उधर मरीच को मार दिया था अब लक्ष्मण खड़े हैं, राम ने देखा तुम क्या कर रहे हो इधर लक्ष्मण ने बताया ऐसा ऐसा हुआ तो राम ने इधर तो माता सीता ने बहुत डांटा था लक्ष्मण को बहुत कटु वचन बोले थे परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज को बड़ा डिटेल में समझाते हैं तो बहुत कटु वचन बोले थे तो आना ही पड़ा तो राम को ये सुना जब राम ने बहुत क्रोधित हुए लक्ष्मण के ऊपर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एक स्त्री का बात को तुम सीरियसली कैसे ले सकते हो अरे वो डांट रही चुप करके सुन लेना चाहिए था छोड़ के आ गए हाँ, फिर महाराज बोलते हैं लक्ष्मण जी सोच रहे हैं एक शिक्षा हमें दे रहे हैं बोले पति पत्नी के झगड़े में नहीं आने का उधर से भी डांट पड़ती इधर से भी डांट पड़ती दोनों के बीच में मेरा प्रश्न हो गया तो इसलिए कहते हैं ना दूसरों के जो झगड़े में बड़ा संभल के बीच में पड़ना चाहिए नहीं तो मृदंग बन जाएगा दोनों तरफ से पिटाई पड़ेगा अब रावण हम तो मेन शिक्षा लेंगे सीता से रावण से इसमें लिखा है महाप्रभु बताते हैं रावण को सिर्फ धोखा मिला रावण तो ठगा गया भागवत में भी है सुखदेव उसमें बोलते रावण ठगा गया वो लेने गया था सीता को हा? और लेके आ गया माया सीता को वो भी उसका मृत्यु का कारण बनी कोई कहते हैं वेदवती ही वो छाया सीता थी क्योंकि वेदवती ने कहा था कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी तो जब हम भगवान को छोड़ के और भगवान के सृष्टि को भोगना चाहते हैं तो माया क्या करती है भगवान की हमें ठग देती है क्या रावण भोग पाया नहीं भोग पाया भगवान को छोड़ के भगवान की संपत्ति को जो भोगना चाहता है वो सिर्फ ठगा जाता है उसको कुछ नहीं मिलता अंत तक सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं यहां पर महाप्रभु बोलते हैं वो तो सिर्फ ठगा गया तो इसीलिए संसार में भी हम देख रहे हैं लोग इतना पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास पैसों की कमी नहीं आज दुनिया में चाहे कोविड भी आ गया पैसों का कमी नहीं है फैसिलिटी है रिसोर्सेस है सब है इतना रिसोर्स निकाल दिया जमीन खोद के रिसोर्स निकाल दिया पूरा आसमान से रिसोर्स उठाया हर जगह से उठाया पूरा कंट्रोल ऐसा मनुष्य को लगने लगा है कि मैंने पृथ्वी पे पूरा कंट्रोल प्राप्त कर लिया है ठीक है आपने किया आपके पास इतना पैसा है सब कुछ है और तो बिल गेट्स है उसका घर कहां पे पता आपको अपना एक आइलैंड है उसका उस आइलैंड पे कोई घुस नहीं सकता है बिना उसके परमिशन के ऐसी सिक्योरिटी लगा के रखी है उस में उसने बंगलो बना के रखा भी और कितना फैसिलिटी है हम तो कभी गए नहीं है उधर कोई गया होगा तो पता होगा तो उसके मूड के हिसाब से उसके घर की दीवारें कलर चेंज हो जाता है स्क्रीन लगा के रखा बहुत बहुत फैसिलिटी है उसके पास इतना ऑप्यूलेंस है हाँ ऐसा ही ऑप्यूलेंस हम कृष्ण बुक में ये तो खैर भौतिक है इससे अच्छा ऑप्यूलेंस बनाया था प्रोटेक्शन बनाया था भस्मासुर ने भौमा ने और जब कृष्ण मारने आए थे कनाल बनाया था फिर इलेक्ट्रिक फेंसिंग बनाया था फिर ये बनाया था बनाया था इतना बनाया था तो भी भगवान घुस के मारे उसको और ये तो उतना भी पावरफुल नहीं है तो इतना लोग कंट्रोल करके बैठे हैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछे कि अभी भी आप असंतुष्ट क्यों हैं दुखी क्यों हैं? इतना रिसोर्सेस होने के बाद भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप ठगे गए हो आपको माया ने ठग दिया है और क्यों ठगा क्योंकि आप भगवान को छोड़ भगवान की प्रकृति भगवान की संपत्ति को भोगना चाहते हो हम भोगता नहीं है हम सेवक हैं भगवान की संपत्ति जैसे हनुमान जी सीता को राम से मिलवाए भक्त का वही काम है कि जितना भी एक भक्त भिक्षा मांगने क्यों जाता है क्योंकि जो भी है वो कृष्ण का है उसको लाके कृष्ण की सेवा में लगाता है इसीलिए प्रभुपत कभी नहीं बोले कि मुझे नहीं चाहिए पैसा ये नहीं चाहिए प्रभुपत बोले पूरा दुनिया का पैसा दे दो मैं कृष्ण के लिए मंदिर बनाऊंगा प्रचार करेंगे क्योंकि सब कृष्ण का है तो जो उसको अलग से भोगना चाहता है भगवान को छोड़ सेवा करने के बजाय भोगने का भाव है उसको दुख मिलता है तो ये रावण के साथ हुआ वो बेचारा ठगा गया भोग भी नहीं पाया दुख भी मिला अपने सारे लोग मारे गए खुद भी अंत में मारा गया ये होता है जब व्यक्ति भगवान को छोड़ भोक्ता बनना चाहता और यह हम सब की गति है हा? इस संसार में इसलिए हम दुख भुगत रहे हैं। अब उसमें दुख भुगतते भुगतते कोई एक ब्रह्मांड ब्रह्मित्य कौन भाग्यवान जीव इसके पहले भी एक चैतन्य चर्ता में श्लोक आता है कहते भटकते 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 साधु वैद्य से मिल जाता है गुरु से मिल जाता है तो जो भक्त प्रभुपाद से जुड़ गए जो प्रामाणिक गुरुओं से जुड़ गए वो समझ गए और अब धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं पुराने अनर्थ हैं वो कभी कभी ऐसे जैसे वोल होते हैं ना डेड वोल हमारे अनर्थ भी ऐसे ही हैं कभी फट जाते हैं तो फिर वो बाहर निकल जाता है काम खोद लो मोहम्मद मसर लेकिन ठीक है प्रहुपा जी बोलते हैं उसका चिंता मत करो आप प्रोसेस में लगे रहो ये धीरे 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 पूरा खत्म हो जाएगा और आप एक शुद्ध सेवक के रूप में उभर के बाहर आएंगे अब माता सीता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस एपिसोड को लेकर यहां पे क्या लिखा है इटरनल कुछ तो था ना इटरनल मदर ऐसा कुछ लिखा था द ओरिजिनल मदर कल मदर्स डे बना रहे थे लोग तो यहां पे लिखा है ओरिजिनल मदर रोपा जी लिखते हैं इंग्लिश में हिंदी में नहीं लिखा है इंग्लिश में ओरिजिनल मदर लिखते हैं तो माता सीता हमें शिक्षा दे रही हैं कि देखो सीखो अब आप लीजिए माता सीता जो है वो एक शिष्य के समान है और राम भगवान है और लक्ष्मण बलराम जी हैं आदि गुरु हैं तो जब शिष्य को भोगने का इच्छा हुआ जब माता सीता को इच्छा हुआ कि मुझे ये हिरण चाहिए भगवान मना कर रहे हैं लेकिन नहीं चाहिए मुझे तब क्या हुआ भगवान से अलग हो गई जब भोग का इच्छा जागृत होता है तो हम भगवान से अलग हो जाते हैं हो नहीं सकता अच्छा भगवान एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं भौतिक संसार क्या है भौतिक और आध्यात्मिक संसार अलग नहीं है प्रभुपत बताते वो तो एक चौथा ही हिस्सा को बादलों से ढक दिया वो इल्यूजन बना दिया भगवान ने अब भगवान के रहते रहते वो इल्यूजन हो नहीं सकता इसलिए भगवान से अलग किया जाता है जीव को और फिर उसको एक इल्यूजन में डाला जाता है और वह सोचता है कि वो आनंद में है वह सोचता है कि वह भोग रहा है लेकिन संसार की गति तो हम सबको पता है हम सब यहां बैठे हैं क्योंकि बाहर दुख मिला इसीलिए तो आए ना भक्ति में क्यों आए कोई एक आदि विरला ऐसा भक्त होगा जो हां कृष्ण हां कृष्ण किधर है कृष्ण किधर है कृष्ण ढूंढता वो आया होगा ऐसे कम होते हैं कुछ लोग प्रभुपात को ढूंढते आ गए थे कि वो एक जो है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं तो ढूंढते ढूंढते प्रहुपद के शिष्य कुछ पहुंच गए थे ब्रहपद के पास ये बहुत कम होते हैं तो जीव को अलग कर दिया जाता है फिर क्या होता है तो राम अलग हो गए सीता वहीं रह गई फिर राम ने क्या बोला भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला जो गुरु है बोले ध्यान रखना है ना मेरा नहीं सुन रहा है यह शिष्य तुम ध्यान रखना तो गुरु के हाथ में भगवान वो जीव का बागडोर दे देते अब क्या हुआ देखिए गुरु के साथ क्या किया सुना नहीं उल्टा गुरु को उल्टा सुना दिया तो जब गुरु की नहीं सुनते हैं तो हमारी गति यही हो जाती है हम आसुरी प्रवृत्ति में फंस जाते हैं कम से कम अच्छा लक्ष्मण होते तो हिम्मत था रावण का आ जाता आता भी तो कुछ नहीं कर पाता वो तो चलो भगवान ने जय विजय को वरदान दिया है कि मेरे हाथों मरेंगे मारता नहीं लेकिन बांध के रख देता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा बड़ा बोलते हैं ना बड़ी बड़े बड़े ढींगे हाख रहा है जैसे कर्ण मैं अर्जुन को मार दूंगा मैं अर्जुन को मार दूंगा तो भीष्मेव बोलते तुम वही थे ना विराट में जब विराट का युद्ध हुआ था कर्ण तुम वही तो थे इतना बोलते हो मैं मार दूंगा मैं मार दूंगा क्योंकि सबसे पूछा जा रहा था कितने दिन में तुम युद्ध खत्म कर लोगे तो कर्ण ने बोला आज ही खत्म कर दूंगा अर्जुन को मार दूंगा तो भीष्मेव याद दिलाते हैं विराट के युद्ध में तुम थे ना हम सब थे जितने बैठे हैं सब थे एक अकेला अर्जुन बिना आर्मी के आया और सबको साइड करके जो उसको चाहिए था अंग वस्त्र लेके गया एक क्षत्रिय का कितना बड़ा इंसल्ट हो गया उसका अंग वस्त्र लेके चला गया तो वैसे ही रावण था वो ढींगे मारता था मैं ऐसा हूं ऐसा हूं मैं यमराज को भी पछाड़ दिया यमराज जी को तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया था नहीं तो यमदंड चला दिए थे ब्रह्मा जी प्रकट हुए बोले मत ये भगवान विष्णु का शिकार है इसको छोड़ दो आएंगे भगवान आएंगे इसके लिए तो आप छोड़ दीजिए वाली ने बांध के रख दिया था रावण को वाली पकड़ के लाया था ऐसे दबाया था रावण को और ला के अपने आंगन में बांध दिया था ये रावण की गति है और जब कैलाश पर्वत के पास गया था रामायण में लिखा वाल्मीकि रामायण लिखते हैं तो कैलाश पर्वत को हिला रहा था तो शिवजी बैठे थे माता पार्वती बैठी थी पार्वती तो को थोड़ा झटका लगा उनको डिस्टर्बेंस हुआ तो तब पार्वती ने श्राप दे दिया रावण कितने वो पूरा है एपिलॉग करके आता है ना रामायण के पहले वाल्मीकि रामायण में लिखा तो पूरा श्राप लेके आया है शॉपिंग करने गया था श्राप की वेदवती से श्राप लिया सीता अपना इनसे श्राप लिया पार्वती माता से नल कुबेर से श्राप लिया और एक दो जगह से पूरा श्राप कलेक्ट करके आया कुछ छह लोगों से श्राप लेता है वो तो शिवजी को बड़ा शिवजी ने पार्वती को बोला चिंता मत करो ये रावण है पार्वती ने तो श्राप दे दिया माता पार्वती पहले श्राप देती है फिर शिवजी से पूछती है क्या चल रहा है चित्रकेतु महाराज को भी श्राप मिल गया था फिर वो शिव जी बताते हैं कि इसको शराब देने से कोई फायदा नहीं ये तो भगवान का भक्त है तो ये भी रावण को शराब दे दिए कैलाश को हिला रहा था तो जैसे तैसे इसकी उंगलियां नीचे फंस गई इसके दस हाथ बीस हाथ थे उसके बीस हाथ की उंगलियां पूरी फंस गई और भगवान शिव ने क्या किया दबा दिए बैठ गए वो तो उनको क्या फर्क पड़ता है वो बैठ गए सब उनका चल रहा है सौ सालों तक इसका ये उंगलियां चपटी हुई थी हाथ और ऐसा चिल्लाया था रावण ऐसा रोया था वहां पे तब जाके कुछ लोग आके बताते हैं कि आप शिवजी को प्रसन्न करो ये शिवजी दबा के बैठे हैं कैलाश को और कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करना पड़ रहा है शिव को तो आप इसको जो है शिव को तब ओ, शिव तांडव स्त्रोत्तम लिखा था रावण ने बहुत हिट चलता है बाहर देखें शिव तांडव बहुत म्यूजिक में डीजे में बजाते हैं लोग रावण द्वारा लिखा गया है तो एक भक्ति से पूछा ये तो शिव की स्तुति है बोले क्योंकि रावण ने लिखा है वो तमोग से ग्रसित है इसीलिए वैष्णव उसको देखते नहीं है शिव तांडव हम शिवाष्टकम गाते हैं चैतन्य महाप्रभु ने बोला तब उसने प्रसन्न किया तब शिव जी बोले ठीक है जाओ तो ये गति होता है तो यहां पे माता सीता ने अगर बात मान ली होती और लक्ष्मण रुक जाते तो ये सब होता नहीं रावण अयोध्या नहीं लौट पाता फिर और सॉरी लंका नहीं लौट पाता उसको वहीं बांध के रख देते दे, राम आते उसको खत्म कर देते तो गुरु का नहीं सुनने से क्या दुर्गति होती है ये इसमें समझाया गया है कितना सहना पड़ा अशोक वाटिका में कितना सहना पड़ा कितने वो आसुरिया थी राक्षसियां थी वो कितना परेशान किया रावण ने कितना परेशान किया और उस एक माता सीता को निकालने के लिए कितना बड़ा युद्ध हुआ भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं ना एक जीव को भक्त बनाने के लिए 200 गैलन खून जलाना पड़ेगा ये उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है तो हम भगवान से अलग हो गए हैं प्रभुपाद जैसे आचार्य आके कितना प्रयास कर रहे हैं अपना खून जला रहे हैं कि हमको भक्ति में बढ़ाया जाए हमको भगवान के पास वापस ले जाया जाए हम चलते 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 गुरु बोल रहे हैं चलते रहो बस मैं जो बोल रहा हूं वो करते रहो तुम पहुंच जाओगे अंत तुम्हारा जो ये गाड़ी पे बैठोगे तो वैकुंठ में ही उतरोगे लेकिन हम गुरु को आज्ञा को छोड़ देते हैं अनादर कर देते हैं तो गुरु की नहीं सुनने से गति ही होती है दुर्गति इतनी होती है कि हजारों हजारों उदाहरण है।, है हम लोग के जीवन का भी उदाहरण है कि नहीं मानने से क्या होता है और छोटा सा बात हाँ अब मेरे को एक बात याद आ रही है बहुत पुरानी है 2009 की बात है पर्सनल है लेकिन कैसे दुर्गति होती है थोड़ा उसको एक्सप्रेस कर देते हैं शायद समझ में आ जाए 2009 में मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था और हम आते थे 16 घंटे ट्रेन थी तो इधर मीटिंग्स होती थी आर मीटिंग तब होती थी जी मीटिंग सेवा करने का मौका मिलता था सैटरडे संडे छुट्टी आ जाते थे ट्रेन से बत्तीस घंटे का ट्रैवल और बीस घंटा यहाँ पे रुकना, तो एक बार आ गए महाराज यहीं पे थे तो सुंदरूप प्रभु ने कहा कि आप जाओ महाराज को लेने के लिए मैं एयरपोर्ट गया और वहीं से महाराज को खारघर जाना था तो मैं गाड़ी में पीछे बैठा था बातचीत चल रही थी हम लोग खारगर पहुंचे खारगर आप मंदिर जाने से पहले देखेंगे बहुत बड़ा चौक आता है उत्सव चौक बोलते हैं तो हमारी गाड़ी रात को नौ बजे वहां पहुंची महाराज की कार मैं पीछे बैठा था तो महाराज को पता था मुझे वापस हैदराबाद जाना है मेरी ट्रेन जो है वो पूना से बुक है तो महाराज बोले मुझे कि देखो चक्रवर्ती यहां से तुम दो घंटे में बाय रोड पूना पहुंच जाओगे ट्रेन कब की है तुम्हारी कल शाम की पांच बजे की ट्रेन है तुम तो दो घंटे में पूना पहुंच जाओगे ये रात को नौ बजे उत्सव चौक पे महाराज ने मुझे कहा मैंने बोला ठीक है महाराज ने अपना कह दिया बुद्धि थी नहीं करना तो वही है जो हमको करना है इंडिपेंडेंस से क्या मिलता है अभी पता पड़ेगा अगला दिन था एकादशी का फिर महाराज के साथ मंगल आरती हुआ फिर मॉर्निंग वॉक हुआ लेक्चर सुना अब मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूं संडे था हमको नहीं पता था संडे होता है तो मेगा ब्लॉक होता है हा? सारी ट्रेनें ये सिर्फ कहने की बात है बॉम्बे की लोकल ट्रेनें टाइम पे चलती हैं सब ट्रेनें लेट चल रही थी तो मैं सोचा कि चलो अब एक काम करता हूं ट्रेन से दादर चले जाता हूं खारघर से और वही गाड़ी दादर से पकड़ लेता हूं एक बजे क्यों मैं बस से इतना दूर जाऊंगा पुना ठीक है अब दस बजे निकलना था अभी दुर्भाग्य वहीं से चालू हो गया तो मैं बोला भाई गुरु महाराज को थोड़ा प्रणाम करूं दंडत करूं, फिर तो जाऊं तो महाराज मीटिंग में थे दर्शन नहीं मिला चलो बाहर अब तब प्रसाद होता था बारह बजे एकादशी थी एक बजे भक्तों ने बोला एक बजे प्रसाद होगा अब खारगर में तब कुछ और था नहीं बेकरी खुलने वाली थी अब मैं निकल रहा था दस बजे बेकरी खोलने वाली थी मैं बेकरी में गया नए भी थे कोई पहचानते भी नहीं थे अब तो ठीक है वहां पे कृष्णा प्रभु है जो चाहिए पीछे गेट से निकाल देते हैं तो बोले कि नहीं नहीं ग्यारह बजे ओपनिंग होगा महाराज फीता काटेंगे उसके बाद ही सामान बिकेगा नहीं तो नहीं मिलेगा मैं बोला प्रभु एकादशी है मेरे को लंबा जर्नी करना है बोले नहीं कुछ नहीं मिलेगा अब कुछ भी नहीं प्रसाद भी ब्रह्मचारियों का एक बजे होता है मैं बोला चलो बड़ा एक बैग उठाए एक लैपटॉप बैग उठाए निकल पड़े वहां से गया खारगर स्टेशन फिर खारगर स्टेशन से मैंने देखा कैसे कैसे जाना है तो खारगर से जाना था वाशी वाशी से जाना था, था थाने।, थाने से जाना था दादर ऐसा ट्रेन चेंज चेंज करना था तो खारगर से जो ट्रेन वाशी में पहुंचाया उसने पहुंचाया बीस मिनट लेट दुर्भाग्य वहीं से चालू हुआ फिर ये बीस मिनट लेट अभी खाने को कुछ नहीं पहुंचे बीस मिनट फिर वहां से और थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा फिर वाशी से थाने का ट्रेन मैं सवा दस बजे निकला खारगर से मैं थाना पे पहुंचा एक बजे दोपहर में पैदल भी जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा यह होता है जब दुर्भाग्य अपने साथ होता है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते और मैं थाना स्टेशन पे खड़ा हूं और सामने से हैदराबाद एक्सप्रेस निकल गई घंटी बज के ऐसे मेरा घंटी बजा था उसने सामने से निकल गया अब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि एक बजे हैदराबाद एक्सप्रेस आती भी है आज भी वो ट्रेन एक बजे करीब बॉम्बे आती है एक बजे से निकलती है दूसरी ट्रेन तो मैं बोला दिशा कौन सी है कौन सा जा रहा है, है हैदराबाद कौन सा बॉम्बे जा रहा है समझा नहीं था तो बोला हो सकता है दूसरी ट्रेन हो पता किया तो वही ट्रेन मेरी निकल गई उसमें सीट रिजर्वेशन था अगले दिन जॉब पे जाना था ये ट्रेन पांच बजे पहुंचाती अपना बेस में जाके नहा के चैंटिंग करके प्रसाद लेके चला जाता ये प्लान था फिर यहां पहुंचा और अब थाने पे खड़ा हूं क्या करे दिमाग काम नहीं करेगा जब दुर्भाग्य साथ में होगा ना तब बुद्धि नहीं काम करेगी वहां से ट्रेन पकड़ के सामान उठाया है एक बज गया डेढ़ बज गया अब करूँ क्या कोई समझ में नहीं आ रहा ट्रेन पकड़ के कल्याण गया कि कल्याण से दूसरी ट्रेन है कोनार्क एक्सप्रेस वो मिल जाएगी वो हैदराबाद ले जाएगी तो कोनार्क पहुंचा तीन बजे मैं टिकट काउंटर पे गया मैं बोला मुझे टिकट दीजिए बोले नहीं अभी तो ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी और टिकट तो नहीं मिल सकती क्योंकि रिजर्वेशन बंद हो गया जनरल टिकट ले लो तो बुद्धि काम करनी चाहिए थी हा पैसा कमा रहे हो इतना सारा तो अभी बुद्धि नहीं काम की भाई लाख रुपए महीने का आप कमा रहे हो एक जनरल टिकट लेकर टीसी को पांच सौ रुपए दे क्या नहीं जा सकते थे जा सकते थे क्या एयरपोर्ट आके फ्लाइट लेके नहीं जा सकते थे जा सकते थे लेकिन जब दुर्भाग्य साथ में होगा जब गुरु का कृपा नहीं होगा तो बुद्धि नहीं काम करेगी मति फिर जाएगी कितने लोगों ने रावण को समझाने का कोशिश किया उसके दादा नाना माल्यवान ने समझाया उसके भाइयों ने समझाया कुंभकर्ण ने समझाया सिर्फ बेटा इंद्रजीत ने छोड़ के बाकी सबने समझाया इंद्रजीत ने सोचा होगा बाप को समझाऊंगा कल मुझे भी तो यही करना है तो एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि करने तो बाप को ऐसे फिर मैं भी ऐसे ही करूंगा सब ने समझाया लेकिन मती फिर जाती है ना जब विनाश काले विपरीत बुद्धि टिकट नहीं लिया नहीं लेना है ट्रेन जा रही है चले जाओ नहीं लेना अब पूना में बेचारा एक भक्त स्टेशन पे आ रहा है चार बजे मेरे लिए ले प्रसाद लेके अब मैंने उसको फोन किया ये ट्रेन छूट गया सात बजे आना दूसरी ट्रेन में आ रहा हूं फिर उसका भी टिकट नहीं लिया अब दोपहर का साढ़े तीन बजा है पानी तक नहीं मिला सबे से तो पानी खरीदा कुछ फल खरीदा और इंटरनेट पे जाके बैठा साइबर कैफे में वहां से बुक किया बस दादर से हैदराबाद सवा छह बजे की बस थी सायन से तो कल्याण से फिर ट्रेन पकड़ के गया सायन भ्रमण हो रहा है बस यही ब्रह्मांड भ्रमित है यही भ्रमण होगा जीव का जब नहीं सुनेगा बात तो भ्रमण होना निश्चित है फिर सायन में उतरा वो पहुंच गया पौने छे पांच बजे में पहुंचा हा? थोड़ा सा फल खाया पानी पिया साढ़े पांच बजे पहुंच गया जप नहीं हुआ ऐसा दौड़ी में क्या जप होगा पच्चीस में लखर से होगा तो जब बचा हुए जब कर रहे बस कितने बजे आएगा सवा छह का टाइम है भाई सवा छ हो गया साढ़े छ हो गया बस तो पहले लगना चाहिए आएगा आएगा बैठिए बैठिए आएगा पौने सात बजे बस आया तो बस में बैठा खिड़की का सीट था आराम से बैठे चलो जब करेंगे थके हुए थे जब करते करते फिर बस चल नहीं रहा आधा घंटा हो गया और सिर्फ चार पांच पैसेंजर है फिर सबने हल्ला किया तो ड्राइवर ने चलाया तो सब पर्दे वर्दे सब बंद थे चलते चलते मैं बोला ये थोड़ा सा नींद भी लगी थी मैं बोला लोनावला आ गया लगता है क्योंकि बस गोल गोल घूम रही है तो पहाड़ों में ऐसे लोनावला में घूमता है ना मतलब गोल गोल घूम रही है बस ये तो सीधा रोड है इतना क्यों घूम रहा है पर्दा खोल के देखा तो वो जो बस का बुकिंग ऑफिस था उसके बाजू में एक चौक था सायन में वही आधे घंटे से गोल घुमा रहा है ड्राइवर पर्दे बंद है हाँ इल्यूजन में कैसे फंसता कैसे जीव फंस जाता है आधा घंटा घुमा रहा है बैठ के वहां पे भाई तो ये क्या बात हो गई भाई ये कौन सा नया सिस्टम है और ड्राइवर के ऊपर प्रेशर आ रहा है घुमा घुमा रहा है फिर आधे घंटे बाद निकाला फिर चैंटिंग करते करते सो गया अब चल रहा है थोड़ा हवा चल रही है सो गए सडनली उसने ब्रेक मारा अब मैंने देखा क्या आया है पर्दा खोल के देखा उत्सव चौक टाइम देखा नौ बजे रात का चौबीस घंटे पहले यहीं पे मुझे आदेश मिला था कि दो घंटे में तुम पूना पहुंचोगे और मैं चौबीस घंटे बाद वहीं पे खड़ा हूं कहीं नहीं जाएगा जीव गुरु के बिना ये दुर्गति होगा ये यहाँ नहीं रुका फिर उसने लगा दिया मूवी अभी कैसे चैंटिंग करेगा रात को 12 बजे आया पूना कुछ खा नहीं सकते उसने तो ढाबे पे रोक दिया खा नहीं सकते फिर जैसे जैसे सो गए फिर सवेरे में बोला चलो अभी जैसे तैसे कल का जब हो गया सवेरे जब करके ऑफिस जाऊंगा तो सवेरे जब करने लगा साढ़े छह बजे दूसरी मूवी लगा दिया कौन साढ़े छह बजे मूवी देखता है इतने लगा दिया पूरा आवाज आ रहा है मैं हैदराबाद पहुंचा दोपहर में दो बजे थका हारा पूरा लेट पहुंचा ऑफिस उधर से गालियां अलग पड़ी तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि छोटा सा स्टेटमेंट था छोटा सा जिसको मैंने इग्नोर कर दिया और कितना मुझे सहना पड़ा कितनी भारी दुर्गति हुई खाने को कुछ नहीं प्रॉपर कुछ नहीं कुछ प्लान था सब वेस्ट हो गया तो जब जीव गुरु का नहीं सुनता है तो ये गति होती है उसको माता सीता का ठीक है एक हिसाब से भगवान का लीला है लेकिन हमको शिक्षा क्या मिल रही है कि उन्होंने लक्ष्मण का चलो ठीक है आपने जिद किया राम चले गए भगवान से अलग हो गए वो हो गया लेकिन अब मौका है गुरु के चरणों में शरण लेने का लेकिन वो भी नहीं कर रहे हम शरण लेके भी हम बाहर देख रहे हैं भौतिक संसार में कि क्या मैं मजा ले सकता हूं इधर जो भी व्यक्ति हो टू तो डिसोबे द स्पिरिचुअल मास्टर तीसरा हरिनाम अपराध नाम अपराध में तीसरा अपराध तो दुर्गति तो होना निश्चित है उस जीव का गुरु कितना कृपा करेंगे एक लिमिट तक आपको समझाते रहेंगे समझाते रहेंगे समझाते रहेंगे फिर तो वो भी छोड़ देंगे छोड़ेंगे मतलब त्यागेंगे नहीं क्योंकि गुरु त्याग देंगे तो फिर फिर तो हमारा क्या गति होगा हम सोच भी नहीं सकते सड़ते रह जाएंगे इस संसार में तो इसीलिए वो लक्ष्मण जी का बात सुन लेती तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मैं रुकता हूं राम को कुछ नहीं हुआ नहीं माने तो हो गया नुकसान तो इसलिए हमको लीला अपनी जगह है राम कुछ सिखा रहे हैं लेकिन हमको माता सीता ये शिक्षा दे रही हैं कि सुनो यही लक्ष्मण के द्वारा अग्नि परीक्षा हुआ सीता का लक्ष्मण को ही बोला राम ने कि आप अग्नि जलाओ एक्चुअली आइडिया सीता का ही था क्योंकि राम ने बोल दिया था अभी मैंने तुमको छुड़ा लिया अभी तुम विभीषण के पास जाओ शत्रुघ्न के पास जाओ भरत के पास जाओ लक्ष्मण के पास जाओ तुम आजाद हो और बड़ा भक्तों को बड़ा दुख लगता पढ़ने वो बड़ा, आ, है पढ़ने का वो सेक्शन बड़ा पूरा रामायण ही ऐसा लिखा गया है करुण रस में तो लक्ष्मण को ही सेवा दिया राम ने जाओ अग्नि परीक्षा अग्नि जलाओ और फिर वहां से जैसे आज के श्लोक में बताया ये रामदास विप्र कितने दुखी थे फिर वहां से जो छाया सीता एक आचार्य बताते हैं कि हनुमान जी गए थे सीता को क्या बोले चलो तुम तो मेरी माँ हो ना मेरे पीछे बैठ जाओ हम चलेंगे सीता बोली देखो आ, तीन कारण बताई बोले पहले तो तुम्हारा जो हनुमान एयरलाइंस है उसमें सीट बेल्ट भी नहीं है एक कारण बोला भाई तुम ऐसा उड़ के जाओगे मैं गिर जाऊंगी समुंदर में सीट बेल्ट तो है नहीं तुम्हारा हाँ और तुम एमरजेंसी कहीं भी लैंड कर जाते हो किसी के मुंह में घुस जाते हो तो नहीं नहीं तुम्हारे साथ नहीं जाना है। दूसरा तो एक कारण था दूसरा था कि पर पुरुष को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी तुम मेरे पुत्र हो फिर भी पुरुष हो तो हाथ नहीं लगाऊंगी तीसरा स्वेच्छा से नहीं लगाऊंगी तो रावण जबरदस्ती लेके गया था तीसरा कारण था मेन जो कारण था कि राम का इंसल्ट हो जाएगा अगर तुम मुझे लेके जाओगे राम को आने दो रावण का तबाही करने दो फिर राम मुझे लेके जाएंगे उसमें राम का नाम होगा ना? तो ऐसे ही अब अग्नि के साथ कैसे चले गए फिर माता सीता वो तो ओरिजिनल सीता गई है तो फिर भी छाया सीता थी एक आचार्य बताते अग्नि बैठे उनकी गोद में अग्नि की गोद में अग्नि की पत्नी स्वाहा बैठी और स्वाहा की गोद में माता सीता बैठी और फिर अग्नि लोक गए डायरेक्ट अग्नि ने छुआ नहीं था तो यहां पे अग्नि देव वो छाया सीता अंदर जाती है और क्योंकि अग्नि लोक में ही है वहां से जो ओरिजिनल जब प्रहुपा जी लिखते हैं ओरिजिनल मदर वो वापस आती है राम के पास सब राम स्वीकार कर लेते तो ये थोड़ा सा हमने जो सीखा रावण से सीखा कि भोग करने जाएंगे भगवान को छोड़ के तो ठगे जाएंगे राम से सीखा कि कैसे जो अति आसक्त होता है स्त्री में उस पुरुष की क्या गति होती है और मरीज से सीखा कि हमारा सदगति अच्छा में होगा वो कार्य हमको करना चाहिए लक्ष्मण से सीखा और सबसे इंपॉर्टेंट माता सीता से हमें शिक्षा मिली कि कैसे भगवान से तो विच्छेद हो गया है हम अलग हो गए हैं लेकिन अभी भी मौका है भगवान ने गुरु को भेजा है यहां पे भी राम नहीं बोला ना लक्ष्मण को तुम यही रोको तो प्रभुपाद जी को भेजने वाले भगवान है ध्रुव के पास नारद मुनि को भेजने वाले भगवान है आप लोग कभी रेडियो टैक्सी में बैठे हैं ये सब ओला उबर ये सब रेडियो टैक्सी होता है कैसे आप कॉल लगाते हो बुकिंग करने के लिए या इंटरनेट बुकिंग करते हो कंपनी में जाता है और कंपनी देखती है आपके लोकेशन में कौन खाली है तुरंत उसको तो ऐसे ही जब जीव भटकते भटकते संसार में भगवान को स्मरण करता है भगवान की शरण लेना चाहता है तो भगवान ये रेडियो टैक्सी जो है इसको अलर्ट कर देते हैं और तुरंत एक भक्त को आपके सामने खड़ा कर देंगे नारद मुनि को भेजा ध्रुव के पास द्रौपा जी को भेजा है संसार में आप देखेंगे कई बार आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे कोई एकदम तैयार मिलेगा आपको क्योंकि वो भगवान को ढूंढ रहा था और आप आ गए कई बार ऐसा होता है ना कि आपके मन में कुछ इच्छा था कि अगर वो जो राजबिहारी के चरणों में वो फूल है मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा तो भगवान दिलाते हैं कभी आपको वही मिल जाता है जैसे कल हमने संडे में कांग्रिकेशन को चंदन दिया राम रूप प्रभु ने हमको चंदन को दिया जो राजबिहारी को लगा था वो दिया तो एक माता जी कहती है प्रभु जी जब चंदन लगा हुआ था ना तब तो बड़ी इच्छा थी कि कैसे मिलेगा हमको थोड़ा सा और मिल गया तो वो भगवान अरेंज कराते हैं तो प्रभुपाद जी को भेजा है प्रभुपाद ने अपने अनुयायी को भेजा है तो हम अगर वो मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर तकलीफ में रहेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण वंस श्री प्रभुप वॉकिंग ऑन जुहू बीच अलॉन्ग विद डिसाइपल्स And one devotee uh, they saw there is something is reflection reflection is coming. Um, then the, so some devotee one devotee thought it is some jewel or some diamond, so he ran. Uh, then uh, he found out that there is a broken glass piece, and then uh, the sun rays are falling on that, and then it is reflecting. So Prabhupada commented, "Just see." He left the association of uh, Guru <laughs> and running after broken glass piece. <laughs> Yeah. So, like that, uh, Sita Ji. That's what Sita Ji uh, uh, There is no time, but you know there are uh, Shiva, Acharyas. They comment Sita -ji is compared to living entity, yeah. and Hanuman uh, is the spiritual master, and then Ram yeah. is the God. So well, there are some mistakes uh, committed. Uh, five mistakes committed by living entity. So one of them is this. You know, leave the association of uh, Rama. And run after uh, that, uh, you know, that deer, golden deer. Mirage. You know, mirage, which doesn't exist. So another lesson is uh, that is there the living entity uh, when leaves the association of uh, God, he she she has to suffer. Another lesson is uh, that Rama is crying so much, right? right? So it shows that how much we suffer because of leaving association of God that much God also suffers. That is why he comes down searching for all of us. So loving search for the last friend <laughs> you know like that. One more point is uh, that when Rama when Sitaji asked for a golden deer, said okay okay I'll go. So Lakshman was also objecting. then Rama what he did to the shock of Lakshman,

in uh, Sri Vaishnavas acharya they say that uh, in ramayana there are Ratna shlokas. jewel like shlokas to the many people they say that uh, even these atheistic people scholars and all they say that ramayana nowhere it is mentioned that rama is god they say that but rama ramayana is kavyam so it's like it's not like a newspaper

విగ్రహాన్ ధర్మ సాధు సత్యరాక్రమ సో రామ హీస్ పర్సనిఫైడ్ ధర్మన్ సాధు అత్య పరాక్రమట్ రాయి అయోధ్యా హీ షార్ట్ వన్ ఐ కే And fell in the middle of the ocean. That is why it's called Mauritius. <laughs> like that. So you don't know. See, Satya once he releases the arrow, it will reach the target. <laughs> and then he is the uh, Swami of all the Lokas, just like uh, Indra is the Swami of Devas. So they say that this is where, uh, actually, there are a few people who knew. Rama is God. One of them was Marichi. So Marichi you spoke and then Tara, <laughs> mm. then Mandodari. I will finish by commenting. Ravanasur was cheated twice. Once he did big tapasya, he was offering his heads and all. Then Lord Shiva came. Then what do you want? Then he came with Parvati. Then uh, I said, who is this lady? You know, you are a beggar.

हाँ आफ्टर दिस हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास दिए माता सीता जी के बारे में अः प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि आपने शुरू में बताए कि मारीच जो है वो मारा गया राम के हाथों से और कार्य किया रावण के आदेशानुसार तो मारीच को भगवत धाम की प्राप्ति हुई या नहीं हुई ऐसे तो भगवत धाम की प्राप्ति तब होती है जब कृष्ण के द्वारा मारा जाता है कोई तो लेकिन क्योंकि राम के सामने आया और उसकी मृत्यु हुई राम के हाथों तो, भगवान के हाथों तो, क्या भी उसका चेतना था पहले किसके लिए भी वो कुछ काम कर रहा था उसको सदगति मिलेगी वैकुंठ नहीं मिलेगा तो उसको ऐसा जीवन मिल जाएगा कि भक्ति करके अगले जन्म में निकल जाएगा भले वो रावण का सेवा कर रहा था लेकिन आया राम के सामने ना भगवान के सामने आके तो हम पूरे शुद्ध हो जाते हैं ना अब भगवान ने बाण मारा तो जिसका जितना भी उसके हृदय में मल था वो सब निकल गया और वो जानता था भगवान है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसा नहीं कि अज्ञानता अज्ञानी था तो प्रभु जी ने पता ना वो जानता था कि ये जो है राम खुद भगवान है हरे थैंक यू प्रभु जी You can sit, Prabhu. Hare Krishna. The talk was very good. <laughs> My question is that uh, I read that uh, the meaning of Leela is uh, pastimes of uh, the Lord. Somebody has said that it is an uh, enacted drama or something like that. Actually, what is the meaning of Leela? Because we think that it is uh, happening in the real sense, but actually, God has already pre planned everything. As you said that uh, he is aware who Maricha is and what is going to happen. So, this word Leela is somewhat uh, confusing. I mean, what is the difference between something that is real and uh, and uh, illusion or unreal? So, so thank you. Lord is trikalagyani. He knows past, present and future to unlimited extent.

You know, uh, enacting Leela, but he knows everything because he is organizing everything. He does Leela on a spiritual platform to enjoy and to give enjoyment to his devotees. On a, you know, for our platform, he is doing so that we can learn. We obviously relish what Lord is doing, but we also learn some teachings from that. So he is, uh, he has planned everything, he knows everything. He knows that you will ask this question.

हरे कृष्ण प्रभु जी एज यू टोल्ड राइट नाउ दैट लक्ष्मण और लक्ष्मण ने जो बातें माना कि माँ सीता का और लॉर्ड राम का तो बोले कि आ, सीता माँ कह रही थी कि यू गो और राम जी कह रहे थे कि नहीं आप आ, आप सीता माता के साथ रहो तो इस कन्फ्यूजन में कि आ, जैसे अपने आपने बताया ना कि आप मृदंग ना बन जाए तो उस उस कन्फ्यूजन से हम कैसे आउट आए कि हमें इधर का भी ना सुनना पड़े उधर का भी ना सुनना पड़े और दोनों खुश रहे जैसे यहाँ पे अभी लक्ष्मण जी मृदंग बन गए तो तो उस कंफ्यूजन से हम कैसे बाहर सी आइडियली लक्ष्मण जी को भगवान का सुनना चाहिए राइट। right. लीला होने के लिए ये सब हुआ। हमें अपना अथॉरिटी को सुनना चाहिए फिर हम मृदंग बजे चाहे तबला बजे चाहे कुछ भी हो हम अगर गुरु ऐसा नहीं है जो गुरु की शरण लेगा तो उसके साथ आ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा यू you नो know? No समझे? So, गुरु का शरण लेने के बाद भी प्रॉब्लम होगा लेकिन दुर्गति नहीं होगी सदगति होगी लेकिन अपने कर्मों को तो काटना पड़ेगा ना ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण शिल की, प्रभा सीताराम लक्ष्मण हनुमान की बटन नहीं है